हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल से ऑर्नामेंटल प्लांट, स्पाइडर प्लांट, जिसका कॉमन नेम स्पाइडर प्लांट है। क्योंकि जैसे ये प्लांट मच्योर होता है तो इस तरह से ये शूट्स निकलते हैं, डिफरेंट लेग्स, और उसमें स्पाइडर के जैसे लगती है ना, ये लेग्स निकलती हैं, जिसके स्टार्टिंग में तो ऐसी फ्लावरिंग आती है, देखिए, फिर उसके बाद ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बनते हैं जो बाद में मैच्योर भी होते हैं, देखिए। तो और इसका बॉटेनिकल नेम है क्लोरोफाइटम। ये नासा द्वारा रिकमेंडेड एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसके बारे में रिसर्च हुई थी कि ये विद इन 24 आवर एयर में जितने भी टॉक्सिन्स और केमिकल्स होते हैं, लाइक फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन, इन सबको एयर से प्यूरिफाई करता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं इस समय कितना एयर पोल्यूशन चल रहा है, और ये प्लांट इंडोर भी, मतलब ये सेमी शेड का प्लांट है तो ये इंडोर भी बहुत अच्छा चलता है। तो आई थिंक, और ये देखने में भी इतना ब्यूटीफुल है, तो आई थिंक ये सभी गार्डनर्स के पास होना चाहिए, और जो इंडोर गार्डनिंग करते हैं उनके लिए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन इसके सभी पॉइंट्स को। एक तो ये गाड़ी वगैरह आती रहती है इस चक्कर में, मेरा वीडियो बार बार पॉज करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस प्लांट को जब भी हम लेके आते हैं तो बस सबका मान बोलना यही होता है कि हमारा बेबी प्लांट्स नहीं आ रहे हैं, ये शूट्स नहीं निकल रहे हैं, लेग्स नहीं निकल रहे हैं। तो आप ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बेबी पप्स तभी बनेंगे जब आपका प्लांट मेच्योर होगा, मतलब जब मदर प्लांट बनेगा तभी जाके इसमें ये बेबी प्लांट्स आएंगे। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये दीजिए वो दीजिए उसके तुरंत बाद आपका बेबी प्लांट्स आ गया, इस तरह से कुछ नहीं है। जब तक आपका प्लांट मेच्योर नहीं होगा इस तरह से इसमें बेबी प्लांट्स नहीं आएंगे। अब इसके वन बाय वन हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सॉइल मीडिया की। तो क्योंकि आप देखेंगे इसमें स्टेम नहीं होती है, ये इस तरह से क्राउन होते हैं, तो इसका सॉइल मीडिया एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए। तो मैंने इसकी सॉइल में वही 1/3 सैंड और कंपोस्ट और गार्डन सॉइल से इसका सॉइल मीडिया बनाया था। जब मैंने इसका सॉइल मीडिया तैयार किया था इसमें मैंने कोकोपीट भी ऐड किया था। कोकोपीट गर्मियों के लिए मॉइस्चर होल्ड करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब सेकंड बात करेंगे लाइट कंडीशन की, क्योंकि ये सेमी शेड प्लांट है तो आप इसे ऐसी जगह, तो मेरा ये प्लांट जिस जगह रखा है उस इसे 2 घंटे की इवनिंग के टाइम पे धूप मिलती है, लेकिन ये सेमी शेड भी बहुत अच्छा चलता है। तो आप अगर घर में आप किसी भी ऐसे कॉर्नर पे रख दें जहाँ पे उसे ब्राइट लाइट मिलती है तो ये इंडोर बहुत अच्छे से चल जाता है। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप हफ्ते में एक दिन इसे बाहर की लाइट में, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट में, शेड में जरूर रखें, तो ये आपका प्लांट बहुत अच्छे से सालों साल इस तरह से ही चलता रहेगा। और फिर आप जैसे ही ये मेच्योर होगा, मदर प्लांट बनेगा, तो आप इस तरह से एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती हो एकदम ना रखें, या इसे ऐसी जगह पे रखें या तो इसे सुबह की या शाम की 1-2 घंटे की धूप मिले, या इसे शेड में भी ब्राइट लाइट में आप रख सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें पानी कैसे दें। तो आप किसी भी प्लांट में, जब मैं यही बोलूँगी, आप ये एक नियम बना लीजिए कि जब आपको उसकी ऊपर की सॉइल सूखी नजर आए तभी उसमें पानी दीजिए। आप देखेंगे इसमें इस तरह से इसके रूट्स में ऊपर ही इस तरह के नूडल्स मिलेंगे, ये वाटर सेव करके रखती है। तो अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसमें ये रूट रॉट होने की बहुत जल्दी चांसेस रहते हैं। तो आप इसमें पानी एकदम उसी समय दीजिए जब आपकी ऊपर की जो सॉइल हो वो सूख चुकी हो, और आप और इसका ड्रेनेज सिस्टम एकदम इतना अच्छा बनाइए कि इसमें से पानी तुरंत निकल जाए। और जब भी आप इसमें वॉकिंग करें तो इसे एकदम ऊपर से अच्छी तरह से नहला दीजिए। जाड़ो गर्मियों में तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन जाड़ों में आप ध्यान रखिए कि मॉर्निंग टाइम पे करिए। और स्पेशली इनके पप्स, ये जो छोटे छोटे बेबीज निकले हैं, इन पर आप मिस्टिंग जरूर कीजिए, जिससे इनको भी मॉइस्चर मिलता रहे। तो जब भी आप
वाटरिंग करें अच्छी तरह से, मॉर्निंग में मिस्टिंग कर दीजिए, और गर्मियों में तो इवन इवनिंग में भी हल्की सी अगर मिस्टिंग कर देंगे तो बहुत अच्छी चलेगा ये प्लांट। और अब बात करेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन की। तो आप जैसे देख ही रहे हैं ये मेरा प्लांट है, इस समय मदर प्लांट है, और इसके साथ इसमें कितने सारे बेबी पप्स लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली इनको अब इस समय एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो ये इस प्लांट को आप दो बार फर्टिलाइज कर सकते हैं मार्च में, स्पेशली स्प्रिंग में तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये इस समय इसका फुल ग्रोथ का टाइम होता है। आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो आप इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं 15-20 दिन के अंदर में इनकी लीव्स पे जो इप्सम सॉल्ट का जो वाटर होता है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के उसका भी स्प्रे कर देती हूँ। तो वो एक्चुअली बोलते हैं उससे इनकी लीव्स में शाइनिंग आती है, और वो क्योंकि वो एक मैजिकल सॉल्ट है, मतलब इस तरह के लीफ प्लांट्स के लिए अगर आप उसका स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे इन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब बात करेंगे इसमें किसी तरह के पेस्ट अटैक की, तो क्योंकि ये इतना लीफी प्लांट है और इसमें स्टेम नहीं होती है, तो इसमें फंगस अटैक हो सकता है। अगर इसके लिए आप इसकी वाटरिंग प्रॉपर रखें और जब भी पानी दें इस प्लांट को, ऊपर से एकदम पत्तियों को अच्छी तरह नहला कर ही इसमें अगर वाटरिंग करें, तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट में जल्दी कोई किसी भी तरह का पेस्ट अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप देखते रहिए लीव्स को कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी मुड़ी हुई किसी तरह से, या बाई कलर दिखाई दे किसी को, वाइट स्पॉट या ब्लैक, तो आप तुरंत लिक्विड सोप से उस पर तुरंत स्प्रे कर दीजिए, तो ये बहुत जल्दी रिमूव भी हो जाते हैं। तो इसके लिए वॉचफुलनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह के पेस्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए। अब लास्ट टॉपिक है इसका प्रोपोगेशन कैसे करें। तो इसके प्रोपोगेशन के 2 मेथड है, मतलब आप इसको यहाँ रूट से भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 1, 2 जो अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ तो कई बहुत सारे प्लांट इसमें से निकल सकते हैं। तो ये एक इसका प्रोपोगेशन का मेथड है, लेकिन मैंने इसे भी इस तरह से सेपरेट नहीं किया है। तो इसका कारण ये है क्योंकि अभी ये मदर प्लांट बन चुका है, तो इसकी आप देखेंगे इस प्लांट में से ये दो तीन निकल रही हैं, इस प्लांट में से ये 2-3 निकल रही हैं, ऐसी एक प्लांट इधर है, इसीलिए मेरे इस प्लांट में 6-7 ये लेग्स निकली हैं। तो ये अभी जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा और इसमें 1-2 मदर प्लांट और निकलेंगे, तब मैं इसको जाके सेपरेट करूँगी। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। हाँ, लेकिन क्योंकि अब इसका ये बेबी प्लांट्स देखिए कितना बड़े बड़े हो चुके हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ इन्हें सेपरेट कर दूँ, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, तो ऑब्वियसली उस प्लांट पे मेरे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इस प्लांट को मैं यहाँ से, अब ये बस ईजिली ऐसे करके यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, और देखिए इसमें नीचे इस तरह से जड़ें निकल रही हैं जो इजीली ग्रो हो जाती है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।